चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूं जो चीजें अब तक की है कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में जो मेनली बात होती है वो ट्रांसफर फंक्शन को लेकर होती है किसको होती है ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज नथिंग बट आर एस अपॉन ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एच एस सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन सो यू कैन राइट एच एस ट्रांसफर फंक्शन टू सी एस अपॉन आर एस तो जब भी हर बार कोई नई चीज लिखूंगा तो उसके साथ साथ कोई नई चीज जरूर डिपेंड करूंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा ठीक है तो सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ट्रांसफर function now the transfer function can can categorize into three part the one is called minimum phase ये क्वेश्चन आता है इस पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नॉन मिनिमम फेज हालांकि एंड हम वही करेंगे वहीं पर जाएंगे सीधा रूट लोकस तक जहां हम कर भी रहे थे ठीक है तो आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा चीजों को समझने की क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में गेट दे रहे हैं कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कई बार यहां से थोरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है थोरेटिकल ही बता रहा हूँ आज मिनिमम फेज़ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन नॉन मिनिमम फेज़ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड आल पास सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन तीन so, कैटेगरी में ट्रांसफर फंक्शन को मैं लेके चला गया ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम को देखिए अगर मैं कोई ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन में जनरली क्या होते हैं भाई पोल्स होते हैं क्या होते हैं और जीरोज होती हैं जीरोज कहां होती हैं टर वाले पार्ट में और डेनोमिनेटर वाले पार्ट में डेनोमिनेटर वाले पार्ट में आपकी होती हैं पोल्स आपकी होती हैं पोल्स जो स्टूडेंट लाइव है वो जल्दी से बताते कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बीच में कोई इंटरप्शन अगर आपको आ जाए तो कंफर्म कर देना भाई तो पोल्स और जीरो का पता चल गया आपको अब मैं आपको एक ट्रांसफर फंक्शन बता रहा हूं जैसे कि एक ट्रांसफर फंक्शन मैं आपको लिख रहा हूँ टीएस या एच एस लिख लेते हैं मान लिया ट्रांसफर फंक्शन है एच एस एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन एस प्लस फोर और एक दूसरा ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख रहा हूं एच एस इक्वल टू एस प्लस एस माइनस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन एस प्लस फोर ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा फर्स्ट केस में ये जो ट्रांसफर फंक्शन है स्टूडेंट ये ट्रांसफर फंक्शन मिनिमम फेज का है किसका है मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है और ये जो है ये है नॉन मिनिमम फेज क्या है मिनिमम फेज लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या मिनिमम होता है और क्या नॉन मिनिमम होता है लेकिन कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी होगी अगर ये जो ये दो ट्रांसफर फंक्शन आपको इस टाइम दिए हुए हैं इनमें एक परसेंट भी फर्क है तो तब तो मैं नया नाम इसको दे सकता हूं नहीं तो अगर कुछ भी फर्क नहीं है तो उसे नया नाम देना ठीक नहीं इज देयर एनी डिफरेंस जो लाइफ स्टाइम स्टूडेंट्स हैं और जो ऑफलाइन में बैठे हैं इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन दिस एच एस और दिस इज सेकेंड एच एस एक में जीरो लेफ्ट हाफ में और एक में जीरो राइट हाफ में हाँ पोल दोनों के लेफ्ट हाफ में ही है लेकिन जीरो की लोकेशन चेंज हो गई जीरो की तो यहीं से डेफिनेशन आएगी। देखिए अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन में जितने भी पोल हैं, जितने भी जीरो हैं, ऑल पोल्स एंड जीरो लेफ्ट हाफ में है किसमें कोई भी जीरो कहीं पर भी हो कंजुकेट इमेजिन जे एक्सिस के ऊपर हो यहां पर हो या यहां पर हो कहीं पर भी हो लेकिन वो कहां होने चाहिए राइट हैंड साइड इनफैक्ट जीरो भी राइट right हाफ में नहीं होनी चाहिए अगर राइट हैंड साइड के बारे में आप यही बात लिखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि आपका राइट हैंड साइड कंप्लीटली क्या होना चाहिए ब्लैंक होना चाहिए जीरो भी नहीं होना चाहिए जीरो भी अलाउड नहीं है जहां स्टेबिलिटी के लिए आप जस्ट पोल को देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए आप जस्ट पोल को देखते हैं लेकिन यहां जीरो भी आपने कंसिडर करनी है अगर पूरा राइट ऑफ ब्लैंक दिख रहा है आपको राइट ऑफ ब्लैंक दिख रहा है राइट ऑफ ब्लैंक दिख रहा है तो समझिए सिस्टम क्या हो गया मिनिमम फीस ट्रांसफर फंक्शन हो गया क्या बनेगा इसका अगर मैं बना के दिखाऊं एग्जैक्ट तो यही बनेगा इसका एग्जैक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा माइनस टू पे एक जीरो है माइनस वन पे पोल है और माइनस फोर पे एक पोल है ऑल पोल्स एंड ऑल जीरो आर इन लेफ्ट हाफ ऑफ स्प्लेन अगर मैं यहीं पर देखूं इस क्वेश्चन को देखूं राइट एंड राइट हैंड साइड पोल माइनस वन माइनस फोर पे लेकिन जो जीरो है वह प्लस टू पे इस मिली ये, ये, जो हो गया, ये क्या हो गया नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो गया ये बस इस यही बात हम कहेंगे कि ये पढ़ा क्यों इसलिए पढ़ा क्योंकि क्यों इन दोनों ट्रांसफर फंक्शन का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो सेम आएगा लेकिन एंगल फेज एंगल में फर्क पड़ सकता है क्योंकि साइन चेंज हो गया साइन मैग्नीट्यूड सेम बनेगा दोनों ट्रांसफर फंक्शन का

सो so, जब भी पेपर में ये ट्रांसफर फंक्शन का आपको गिवन होगा कोई ट्रांसफर फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि मिनिमम कौन कौन सा है और नॉन मिनिमम कौन कौन सा है तो इस सिचुएशन के बिहाफ पे आप देख लेना कि लेफ्ट हाफ में अगर कुछ भी नहीं आ, पोल जीरो सारे यार राइट हाफ ब्लैंक दिख रहा है तो मिनिमम अदरवाइज नॉन मिनिमम आल पास सिस्टम ये कभी कभार एग्जाम में आ जाया करता है आल पास सिस्टम का इसका ऐसा समझिए आप कोई ट्रांसफर फंक्शन आपको ऐसा गिवन है हाँ जी ड्रॉ करें इसका पोल जीरो जीरो कितने पे है और पोल कितने पे है या फिर कोई ऐसा भी बन सकता है माइनस थ्री पे पोल और माइनस थ्री पे जीरो या फिर चेंज करो चेंज ऐसे कर लो माइनस थ्री पे पोल ले आओ और जीरो इधर ले आओ जब भी पोल जीरो मिरर इमेज पे बनेंगे किस पे बनेंगे वो हमेशा आल पास सिस्टम होगा क्या होगा ऐसा भी हो सकता है देखो ये पोल क्या वैल्यू वन बन, बना लो मान लो ये टू है और ये ये भी टू है ये माइनस तो ये ये हाइट ले लो पोल आ रहा है माइनस टू प्लस माइनस जे पे ये पोल है और जीरो आ रही है प्लस टू प्लस माइनस जे वन पे क्या कहते हो ये जे वन हाइट होगी क्या सेम आएंगे ना तो पोल जीरो किस पे आ रहे हैं भाई मिरर इमेज पे आ रहे हैं जब भी पोल और जीरो मिरर इमेज पे होंगे ये जो जिस टाइम जितनी जिस टाइम क्लास चल रही है मैं कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा हूँ कंटेंट रिलेटेड चीजें बता रहा हूं ये अगर आप कंक्लूड कर लो तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट से मैक्सिम क्वेश्चन आप निकाल पाओगे ये आपका ऑल पास सिस्टम होता है और इस सिस्टम का मैनेच्यूड हमेशा कितना बनता है वन क्या बनेगा क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यू तो सेम आएगी मैनेच्यूड की तो मैनेज्यूड ऑल पास फिल्टर का वैसे फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है गेन होता है वो वन ही होता है क्या होता है तो ये ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना चलिए कुछ और क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है भैया आपको एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपको एक एलटीआई सिस्टम का एलटीआई सिस्टम की फुल फॉर्म है लीनियर टाइम इन्वेरियंट सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन जो आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट लिखते हैं यह हमेशा एलटीआई होता है लीनियर भी होता है और टाइम इन भी होता है ये इसकी कंडीशन है वो ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है वन ओवर एस प्लस वन वट इज द स्टडी स्टेट वैल्यू आपको स्टडी स्टेट वैल्यू बतानी है स्टडी स्टेट वैल्यू बतानी है स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स तो अभी स्लो स्लो मोशन में मैं चल रहा हूं इमीडिएटली कई चीजें आपको बताऊंगा एंड तक जिसमें मैं कई टॉपिक एकदम से खत्म करूंगा जैसे कि अभी तो मैं थोड़ा हीटअप कर रहा हूँ आपको कि कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिक्स जानना जरूरी है आपको ये मैथमेटिक्स काम कर रहा है जो ट्रांसफर फंक्शन वाला मैथमेटिक्स है ये हर जगह यूज होगा ठीक है इमीजिएटली मैं आपको रूट लोकस इमीजिएटली मैं आपको टाइम डोमेन की कई चीजें दो तीन चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी ये सारे टॉपिक को कवर करने में ठीक है और जाते जाते एक और चीज बताऊंगा कि पोलर प्लॉट कैसे बनता है ठीक है एंड में तो लगभग सिक्सटी कंट्रोल सिस्टम मैं टच करूंगा आज क्लास में और बहुत कम टाइम में कर दूंगा ठीक है? पर पहले दो तीन क्वेश्चन ट्राई कर लें, ताकि हम देख लें कि हमारे बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी. तो आपको क्या पूछा हुआ भाई? आ, पूछी क्या पूछी अच्छा. तो जो लोग रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनको बताओ स्टडी स्टेट वैल्यू का क्या मतलब होता है? Final value? Final value या दो ही वैल्यू होती है या? मतलब जानना है क्या, है क्या है तो कोई सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो फाइनल वैल्यू स्टडी स्टेट पे इसकी क्या वैल्यू बनेगी अच्छा तो फाइनल वैल्यू के लिए हम मतलब मतलब अगर ये फंक्शन टाइम डोमेन में में गिवन 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 होता होता मतलब ऐसे होता ऐसे पावर टी, तो मैं टी में क्या पुट कर देता इन्फिनिती. क्योंकि फाइनल वैल्यू तो वहीं से निकलेगा लेकिन क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो टाइम डोमेन में है ही नहीं आपको एफ सिस्टम किस में दे रखा है एस में मतलब लापेस में दे रखा है तो लापलेस के लिए फाइनल वैल्यू थोड़ा आपको पता ही होगा एफ एस एफ टी का एफ एस बन जाएगा जो टी इन्फिनिटी है वहां पर लिमिट एस टेन टू जीरो हो जाएगी और एक एस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एफ एस क्या होता है सिग्नल आपका सिग्नल जो भी गिवन है हाँ जी सिग्नल जो भी गिवन है तो बताओ सिग्नल क्या गिवन है आपको वन ओवर एस प्लस वन चलिए स्टेटमेंट क्या है सिग्नल आपका है वन ओवर एस प्लस वन तो स्टूडेंट ट्रांसफर फंक्शन की है ना आपको चलिए लगा लीजिए बस तो लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू वन ओवर वन प्लस एस अच्छा कुछ भी नहीं है ये एस जीरो दे रखा है पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी और अगर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई वन ओवर एस प्लस वन इसका ना इस तरह का क्वेश्चन होता है इसके पैलन में मैं चीज बताइए मुझे आप इसका बताइए इसका लापलेस क्या होता है सॉरी उल्टा कर रहा हूं उल्टा कर रहा हूं इसका बताइए लापलेस क्या होता है e की पावर माइनस ए टी वन ओवर एस प्लस ए को अगर मैं वन कर दूं तो यहां पर वन आ जाएगा तो ये ओवर आ जाएगा तो यहां पर ए वन कर दो क्या कर दो वन कर दो तो ये e की पावर माइनस टी आएगा मतलब जो क्वेश्चन आपको लापलेस में दे रखा है ये एक्चुअल में की पावर ए कितना है वन, वन ये अब फंक्शन टाइम डोमेन में आ गया अब टाइम डोमेन में जब आपको फाइनल वैल्यू थोड़ा लगा स्टडी शेट वैल्यू निकालनी है तो टाइम कितना पुट कर दो वट इज ही आंसर फिर भी जीरो है तो भी कैसे भी निकालो ना अप्रोच कोई भी हो अप्रोच कुछ भी हो आंसर फाइनल क्या आना चाहिए वही आना चाहिए जो गिवन है तो आंसर इसका क्या रहेगा जीरो रहेगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने में जा रहा हूं मैं आपको ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम uh, में रेगुलरली आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम से भी है भाई ठीक है मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ये क्वेश्चन होगा एक एल सिस्टम है भाई एल सिस्टम गिवन कर रखा है आपको एक एलटीआई सिस्टम गिवन है और एक एलटीआई सिस्टम जब आपको गिवन होता है तो उसको इनिशियली इसने रिलैक्स रखा है इनिशियली क्या रखा है भाई इनिशियली रिलैक्स रखा है इनिशियल रेस्ट पे है इनिशियली इनिशियली रेस्ट पे है और उस उसपे एक इनपुट अप्लाई की गई है इनपुट अप्लाई की गई है सिस्टम पे कौन सी यूनिट स्टेप इनपुट कौन सी इनपुट अप्लाई की गई है ठीक है आपको मैं बता दूं ये सी एग्जाम का क्वेश्चन है यूपीएससी का क्यों खुद से कुछ नहीं बना रहा हूं कि मैं एग्जाम के ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं टू थाउजेंड नाइन ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच ठीक है जी जो स्टेप इनपुट एंड रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स इज गिवन जो रिस्पॉन्स आया वो है वाई टी इज इक्वल टू टी की पावर माइनस टी फोर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम चार ऑप्शन ले लेता हूं उसके में ए ऑप्शन में आएगा वन ओवर एस प्लस वन का स्केयर लेट अस चेंज द कलर ऑप्शन ए वन ओवर एस प्लस वन वन ओवर एस इंटू एस प्लस वन का स्क्वायर एंड सी ऑप्शन इज एस ओवर एस प्लस वन का स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज वन ओवर एस प्लस वन ये फोर वैल्यू गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले इसी ऊपर लेते हैं देखिए समझते हैं एक एक करके पहले इसके इससे पहले कि हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें पहले समझ लेते हैं आप इसकी समरी बनाइए यह कोई सिस्टम रहा होगा इस पर कौनसी इनपुट इसने लगाई यूनिट स्टेप इनपुट साफ साफ बोल रहा है कौन सी यूनिट स्टेप इनपुट सिस्टम पे लगाने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा आउटपुट आएगा टाइम डोमेन में मान लिया वो आएगा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या कहते हो यूनिट यूनिट स्टेप स्टेप इनपुट से तो स ही आएगा ना यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आपने ठीक है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या दी आपको देख लेते हैं ये आउटपुट आ रही है e की पावर कितनी है ये टाइम डोमेन में हो गया यहां ये सिस्टम आपका ये सिस्टम है जिसको आप एच टी बोल सकते हो क्योंकि सब कुछ टाइम डोमेन में लिख रहा हूं पहले ठीक है जी अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा ये जो सी है इसका क्या लिखना पड़ेगा पहले आपको और ये जो आर टीका क्या लिखना पड़ेगा तो एस टी का जब आप आर एस बाई सी एस करोगे या सी एस बाई आर एस करोगे क्या कहते हो तो सबसे पहले सीएस निकाल लें या आर एस लें मर्जी है आपकी क्योंकि बस सी बाई आर करना है बाद में आर एस की वैल्यू क्या आएगी हाँ जी वट इज आर एस आर एस एक यूटी है यूटी का अगर आर टी की वैल्यू आर टी की वैल्यू यूटी है

टी देखते क्या देखा है टी ई की पावर आई थिंक माइनस टी ना इसका जो सी एस बनेगा वो आपको मैं बता दू हाँ जी बताओ क्या बनेगा जब भी ये फंक्शन हो इसका देखिए इसको तो आप मान के चलें ये है ही नहीं यहां पर ठीक है इसके तो मान के चले ही है, है नहीं क्योंकि ये जो e वन है, है? E e तो इससे जस्ट फेस में फर्क पड़ता है किसमें फर्क पड़ता है तो हमें टी का निकालना है क्या निकालना है तो टी का होता है वन बाई एस क्या होता है किस फार्मूले से टी की पावर एन फार्मूले से याद करो अरे जब पढ़ के नहीं आते तो कैसे बात बनेगी भाई N factorial by S plus one, ये आएगा लेकिन इसमें क्योंकि exponential भी है क्या क्या इसलिए थोड़ा हटाओ यहां से और exponential की जगह एस प्लस वन आता है, एक बार है S plus तो यहां पर स्क्वेयर करो कहां पे करो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है अगर एक की बार माइनस टू टी होता साथ में लिखा तो एस प्लस टू हो जाता वो सिर्फ फेज फेज बढ़ गया आगे एस की टर्म का स्क्वायर उतना ही होगा एस एसके टर्म का स्क्वायर होगा ही होगा ऊपर स्क्वायर रख दिया टोटल वैल्यू ये याद रखना ये नया नएलेस ट्रांसफॉर्म आपको मिला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बता रहा हूं आज की क्लास में क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैग्नीट्यूड के लिए कन्वर्ट नहीं कंट्रीब्यूट नहीं करता जस्ट फेज के लिए कन्वर्ट करता है ये मैं आगे भी दिखाऊंगा अगर कभी जेड ट्रांसफॉर्म करवा रहा हूँ आपको ठीक अब कुछ नहीं रहा आपके लिए इस क्वेश्चन में सीएस अपॉन आर एस करना है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट है तो इनिशियल कंडीशन जीरो रखते भी हैं हम हमेशा बोला ये हमेशा हाँ जी सीएस बनेगा वन और एस प्लस वन का स्क्वायर है ना डिवाइड बाय वन बाय एस तो ये आंसर बनेगा एस अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर है ये आपका फाइनल आंसर है यहां पर मैंने सर्किट थ्योरी के लॉपलेस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम के लापलेस ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम के लापलेस ट्रांसफॉर्म के तीन चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एक चीज और मैं बता बता देता हूं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहां पर जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में सुनिए देखिए आप सब जानते हैं एक होता है रैम्प रिस्पॉन्स रैम्प इनपुट होता है रैम्प से पहले सुनिए पैराबोलिक होता है पैराबोलिक पैराबोलिक एक होता है रैम्प और एक होता है स्टेप और लास्ट में होता है एक ऑर्डर एक ऑर्डर मेंटेन देखो अगर आप इंपल्स से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे जाओ इंपल्स स्टेप पैराबोलिक और पैराबोलिक से आ रहे हो तो पैराबोलिक रैम स्टेप इंपल्स कुछ रीजन है इस बात का सिमेट्री बनाने का वो रीजन देखो क्या है देखिए अगर आपको पैराबोलिक रिस्पॉन्स दे रखा है क्या दे रखा है जैसे अभी अभी आपको यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा था क्या दे रखा था यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कब आता है आपका जब यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई की गई हो देखो इसने लिखा भी था यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स टी ई की पावर माइनस टी इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स अब यहां पर देखिए कि अगर आपके पास पैराबोलिक रिस्पॉन्स है सिमिलरली आपके पास क्या हो सकता है पैराबोलिक इनपुट लगाएंगे तो पैराबोलिक रिस्पॉन्स आएगा रैम्प इनपुट लगाएंगे तो रैम्प रिस्पॉन्स आएगा स्टेप इनपुट लगाएंगे तो स्टेप रिस्पॉन्स और इंपल्स इनपुट लगाएंगे तो लेकिन ये तो सबके इंडिविजुअली अपने आप वेल रिस्पॉन्स निकाल दिया आपने मैं आपको बता दूं जब आपके पास पैराबोलिक रिस्पॉन्स होगा तो अगर आप पैराबोलिक रिस्पॉन्स का डी बाई डेरिवेटिव डी टी कर देंगे तो आपका कौन सा रिस्पॉन्स अपने आप निकल आएगा रैम्प और जब रैम्प वाले का डी बाई डी टी आप कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा दिस इज द इंटरलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पांस क्योंकि एक वन है है फिर टी टी स्क्वायर ऐसे बन रहे हैं और जब स्टेप का ये सबसे ये तो गेट में आता ही है गेट या एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कहीं बार आया है वो पैराबोलिक की तरफ नहीं जाता वो स्टेप सिंपल में कन्वर्ट करवा लेता है डी बाई डी टी करेंगे इसका स्टेप का तो आपको कौन सा रिस्पॉन्स आ जाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा समझ में आया तो ये जो अभी आपका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है भाई अगर आप इसी क्वेश्चन में यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी वन करनी पड़ेगी ना आप छोड़िए उस पर मत जाइए आपको रिस्पॉन्स तो मिल ही रहा है यूनिट ऑफ रिस्पॉन्स है आपके पास उठा के इसी का क्या कर हूं यहीं से आंसर आ जाएगा समझ में आया तो ये स्टोरी है भाई इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो जरूर सॉल्व आपको हम कर सकते हैं यहां से देखिए स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि जीएसएचएस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कुछ स्टूडेंट इसको नॉर्मल समझते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बात है ओपन लूप ही तो है ओपन लूप ही क्यों है ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे के सारे जो टॉपिक है ओपन लूपलॉट करते हैं और स्टेबिलिटी किसकी पूछते हैं क्लोज लूप की स्टेबिलिटी पूछते हैं हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की अच्छे से समझ होनी चाहिए जब आप हराउ थर्बिटीज क्रिटेरिया वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जब आप रूट लोकस कर रहे थे आपको हमेशा गिवन होता है जीएसएचएस और आप लोड करते हैं क्लोज लूप की क्योंकि कंडीशन आप कुछ ऐसी बनाते हैं जो आपकी सपोज मैं रूट लोकस की बात करूं रूट लोकस की दो कंडीशन आप लेके चलते हैं एक ये होती है और एक और होती है एंगल कंडीशन ये तो मैनेच्यूड कंडीशन होगी जीएसएचएस इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एट्टी डिग्री इंटू टू क्यू प्लस वन क्या कहते हो ये दो कंडीशन से रूट लोकस आप सोल्व करते हो हाँ वा, वो अलग बात है कुछ हमने ऑब्जर्वेशन भी बना ली जैसे किसी पोल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल जीरो या ओ, 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 ओड होना तो वहां से रूट लोकस हम एग्जिस्टेंस निकाल पाते हैं ठीक है लेकिन कंडीशन यही है ये वाली है मैग्नीट्यूड कंडीशन मैग्नीट्यूड कंडीशन और दूसरी है कौन सी एंगल कंडीशन ये दो बातें हम हमेशा याद रखें किसके लिए किस टॉपिक के लिए रूट लोकस के लिए यही जीएसएचएस अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको अच्छे से पता है कि जीएसएचएस क्या है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्या निकालने में स्टडी स्टेट एरर निकालने में क्या कहते हो क्योंकि स्टडी स्टेट एरर दो बातों पे डिपेंड करता है या तो आर एस पे आर एस हमारी क्या होती है इनपुट पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर इनपुट चेंज होगी और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डेफिनेशन निकलती है

एक ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है अब मैं ट्रिक बताऊंगा पहले फिर बाद में बात करेंगे ट्रिक देखो क्या है जैसे कि कोई ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है जीएसएचएस गिवन है जीएसएचएस फिर जीएसएचएस की एक और वैल्यू ले, ले लेता हूं फिर जीएसएचएस की एक और वैल्यू ले, ले लेता हूं ठीक है जी इस तरह से आपके जीएसएचएस चेंज हो रहे हैं तो पहले ट्रांसफर फंक्शन को क्या कहेंगे आप इट इज फर्स्ट जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका वो टाइप जीरो क्या है भाई और ऑर्डर वन है इसका क्या है दूसरे वाले ट्रांसफर फंक्शन का नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन चेक करने नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन आप चेक करने तो ये टाइप वन ऑर्डर टू हो जाएगा भाई टाइप वन और ऑर्डर टू ऑर्डर टू और अगर ये देखें यहां पर ओरिजिन पे बोल कितने हैं भाई टाइप टू भाई बहुत एज एग्जाम्स में गेट एग्जाम में टाइप ही पूछ लेगा आपसे लेकिन याद रखना टाइप बताने के लिए आपके पास गिवन क्या होना चाहिए जीएसएचएस होना चाहिए टाइप टू ऑर्डर थ्री ऐसे हम टाइप ये टाइप थ्री कर लो ऑर्डर ऑर्डर फोर ओ आर डी फोर ऑर्डर फोर तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं ठीक है जी अब जैसे मैं आपको बता दूं अगर हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट में चलें फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलें फ्रीक्वेंसी डोमेन में चलें तो एक ट्रांसफर फंक्शन मैं आपको दिखाता हूं जीएसएचएस गिवन है वन ओवर वन प्लस एस कुछ दिन पहले मैंने एक वन ओवर वन प्लस एस का क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैनिच्यूड वन बाई रूट टू आया था और फेज फोर्टी फाइव आया था मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो आएगा पेपर में अब आज भी आपको थोड़ा सा ऐसे काम करें इससे इसको थोड़ी देर के लिए आप जे ओमेगा पुट कर लें जब आपके पास वन ओवर वन प्लस जे ओमेगा आ जाएगा तो इसका आप मैनीच्यूड और एंगल एक्सप्रेशन लिख के दिखाएं मुझे वो बनेगा इसका वन ओवर ऊपर तो वन का वन ही आएगा नीचे जो आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर आएगा क्योंकि वन तो लिखने वन का स्केयर था पर वन का स्केयर ही होगा इसलिए मैंने वन की जगह वन स्केयर नहीं लिखा हालांकि वन का भी स्केयर करना चाहिए था मुझे और एंगल एंगल, एंगल, एंगल एक्सप्रेशन कितना बनेगा भाई इसके बताइए अरे फोर्टी फाइव कैसे होगा अभी ओमेगा कहां पता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी ओमेगा आपको पता है फिर ओमेगा वन थोड़ी ना दे रखा है इसका एंगल एक्सप्रेशन बनेगा टेन इनवर्स ओमेगा नीचे से आएगा और जब ये ऊपर डायनोमीटर से ऊपर जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा समझ में आया जल्दबाजी नहीं करनी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अगर ओमेगा की वैल्यू वन है फिर ठीक हो आप पर वन थोड़ी ना अभी तो जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं अब आप करना क्या आपको क्या करना है बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं पोलर प्लॉट समझ में आ गया पोलर प्लॉट को नैक्विस्ट प्लॉट कहते हैं वो थोड़ा ज्यादा फर्क है नहीं दोनों में तो इसको प्लॉट करना सीखते हैं और प्लॉट करना सीखेंगे ओमेगा जीरो से लेके ओमेगा इन्फिनिटी तक ओमेगा कहां से कहां तक बढ़ाएंगे इन्फिनिटी तक तो जब आप ओमेगा जीरो से लेके इन्फिनी तक बढ़ा के देखेंगे ओमेगा की कोई भी फ्रीक्वेंसी आप लोड करना चाहेंगे तो आप चलिए डन तो पोलर प्लॉट ओ एल ए आर पोलर प्लॉट पोलर प्लॉट में आप चेक कर सकते हो ओमेगा जीरो से लेके ओमेगा इन्फिनिटी तक की फ्रीक्वेंसी रेंज अब देखिए इसके अंदर कैसे चेक करेंगे आप पहले आप ले ले मैग्नीट्यूड। एक पोलर प्लॉट करना सिखा रहा हूं आपको ड्रॉ करना मैग्नीट्यूड <coughs> है भाई वन ओवर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एंगल कितना आ रहा है साथ साथ टेन इनवर्स विद माइनस साइन ऑफ ओमेगा सबसे पहले आप लें ओमेगा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू दैट इज जीरो तो पहली रीडिंग आपने ली ओमेगा जीरो तो चेक करते हैं ये इसको थोड़ी देर के लिए एम मान लो और इसको फाइव मान लो ठीक है डन है चलिए तो अब देख ले भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कर देना ठीक है चलो तो ओमेगा जीरो पे दोनों मुझे एम और फाइव की वैल्यू बताओ एम कितना है और फाइव कितना चलो बताओ अब मैं ओमेगा अब दे रहा हूँ मैं आपको देखो ओमेगा अब जीरो है तो या ओमेगा स्क्वायर में जब जीरो रखोगे तो नीचे रूट वन बन जाएगा ऊपर भी वन है तो जो मैनीट्यूड है वो वन आएगा क्या आएगा और टेन इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो तो ये वैल्यू आई है तो सीधा उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग लें ओमेगा वन पे जो आप बोलना भी चाह रहे थे अब आ गया वो ओमेगा वन अब जो मैनीट्यूड आएगा वो वन बाई रूट टू आएगा और एंगल आएगा माइनस फोर्टी फाइव तो टेन इनवर्स वन फोर्टी फाइव होता है और माइनस पहले से ऑलरेडी अटैच है और लास्ट रीडिंग ले लो ओमेगा इक्वल टू टेन लेने की जरूरत नहीं सीधा इन्फानैट ले लो और ओमेगा इन्फिनिटी पे देख लेते हैं मैगनीट्यूड कितना आएगा हाँ जी ओमेगा जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो नीचे से इन्फिनिटी बन जाएगा तो मैगनीट्यूड बनेगा जीरो और एंगल बनेगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है भाई नाइन्टी और बाहर माइनस है इसलिए माइनस नाइन्टी आई क्या आएगा तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ एक एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ठीक है एक्स और वो आपका पोलर प्लॉट बन जाएगा क्या बन जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपके अपने हाथ की बात है भाई देखो क्या करो यहां पर ना एक पिलर अटैच कर लो पिलर जैसे पिलर एक पेन होता है तो ना जहाँ पर आपको सर्कल दिख रहा है न सॉरी ओरिजन दिख रहा है ना वहां पर एक पिलर लगा लो पिलर पिलर लगाने के बाद उस पिलर पे आपने थ्रेड बांधना है क्या बांधना है अब जब उस थ्रेड से आप उस पर थ्रेड लेकर जाओगे उससे कुछ दूर जो जितना दूर उससे थ्रेड लेकर आप जा रहे हो वो आपकी डिस्टेंस है क्या है मतलब मैनीश्यूड है तो अभी आप यहाँ मान लीजिए ये आपका पिलर है कोई यहाँ पर पिलर लगा हुआ है और आप कितने ये ओमेगा मैंने यहाँ जीरो रखा हुआ है तो जब ओमेगा जीरो होता है तो मैग्नीट्यूड कितनी होती है वन तो पिलर से लेके ये वाली डिस्टेंस सब कितनी है वन है कितनी है और साथ साथ एंगल कितना है जीरो डिग्री अरे जीरो डिग्री लिखा हुआ है ना तो मतलब एक मैं रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बिल्कुल रेड लाइन ये रेड लाइन ड्रॉ होगी और इसी 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 एक्सिस पे जाएगी कि जीरो डिग्री ही जाना हम उसके बाद ओमेगा की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई ओमेगा की वैल्यू तो थोड़ी बढ़ गई हाँ वन हो गई जब ओमेगा की वैल्यू वन होगी तो मैगनीट्यूड कितना रह जाएगा वन बाई रूट टू और वन बाई रूट टू वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन के आसपास मतलब अब थ्रेड थोड़ा छोटा हो गया आपका वन वन लेंथ जितना नहीं रहा लेकिन एंगल घूम गया आप माइनस फोर्टी फाइव एंगल यहाँ नहीं आएगा या माइनस फोर्टी फाइव पर इस लाइन पर आएगा क्योंकि माइनस नाइनटी ये है ना तो जब आप यहाँ तक यहाँ तक पहुँचोगे तो मान लिया ये वो पॉइंट है इस पॉइंट पर लेंथ चेक करो ये लेंथ कितनी बन रही है ये वन लेंथ पॉइंट जीरो सेवन जीरो सेवन होगी पहले लेंथें कम होगी ना ये ये लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन और यहां पर इस पॉइंट पे जो आपका लेंथ का पॉइंट आया है और जो एंगल का पॉइंट जहां भी इंटरसेक्ट करा वो उस पॉइंट को पकड़ लो और उस पॉइंट पे डॉट लगा दो और जीरो और वन के बीच में वैसे भी बहुत सारे पॉइंट आए होंगे तो वो सारे पॉइंट यहीं पर आए होंगे इसी लाइन पे आए होंगे ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट डेफिनेटली क्योंकि हम इसी डायरेक्शन जा रहे हैं और जब आप ओमेगा इनफिनिटी कर दोगे तो मैनीच्यूट घटते घटते कितना रह जाएगा लास्ट में मैनीच्यूड कितना रह जाएगा जीरो रह जाएगा क्या रह जाएगा तो प्लॉट ने कौन सी शेप ली हुई है इस तरह से चल रहा है आपका प्लॉट और जब आपका मैनीट्यूड जीरो रह गया जब आप ओरिजिन पर पहुंच गए तो उस टाइम एंगल की वैल्यू किस साइड से आएगी माइनस नाइनटी से 90. तो माइनस नाइन्टी वाली साइड से देखो इसका ऑलमोस्ट ये जीरो बन रहा है 90. तो प्लोर शुरू हुआ इस उल्टा सी देखो समझ में आया एक उल्टा सी एक हेमिस्फीयर टाइप नीचे से बन रहा है आधा हाफ सर्कल सेमी सर्कल टाइप जब आप ओमेगा ज़ीरो रखोगे तो ओमेगा वन हो गया समझ में आया ओमेगा सॉरी जब ओमेगा जीरो रखा तो मैनीट्यूड कितना हो गया वन हो गया और एंगल कितना था साथ साथ जीरो और जब आपने ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखी ओरिजन पे तो मैनिट्यूड और फेस कितने हुए आपके जीरो, जीरो और नाइनटी इनफैक्ट माइनस नाइनटी तो ये जो शेप है ना ये टाइप जीरो ऑर्डर वन की है किसकी है ये आप नोट करके रखना टाइप जीरो ऑर्डर वन का पोलर प्लॉट क्या बनेगा वो ये होता है भाई और जिसकी इसकी एरो 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 जो आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है उस तरह मैनिच्यूड घटता जा रहा है और एंगल जीरो और माइनस नाइन्टी के बीच में टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि एंगल की मिनिमम वैल्यू है जीरो और मैक्सिमम इन्फिनेटी फ्रिक्वेंसी पर एंगल माइनस नाइन्टी से ऊपर नहीं जा पा रहा है ठीक है अब ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन आपके पास होते हैं टाइप जीरो ऑर्डर वन टाइप जीरो ऑर्डर टू मैं एक जनरल बताता हूँ आपको करना क्या है देखो चाहे आप करके भी देख लेना देखो अभी अभी आपने प्लॉट बनाया है ये मैं कलर चेंज करता हूं अभी अभी आप प्लॉट बना के आए आपने इस तरह का प्लॉट बनाया एक ओमेगा जीरो से स्टार्ट करके तो ये कौन सा प्लॉट आपने बनाया क्या कहेंगे आप इसको टाइप जीरो ऑर्डर वन और अगर आपका प्लॉट ऐसा होता तो तो प्लॉट अभी भी दिखाता हूँ कैसा बनेगा ये स्टूडेंट ये है आपका ये है आपका हालांकि करके भी देखेंगे हम इस चीज को ये आपका है टाइप जीरो ऑर्डर टू कैसा आई यह है टाइप जीरो ऑर्डर टू और अगर आपको प्लॉट इस शेप का बनता इस तरह से यहां पर आती और यह बनेगा टाइप जीरो ऑर्डर थ्री और अगर आपका प्लॉट इस तरह से बनेगा तो यह बनेगी टाइप जीरो ऑर्डर भाई बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब करके मैं करके दिखा देता हूं आपको शेप इस तरह से आनी चाहिए अब शेप पेपर में छोटी बड़ी करता रहेगा वो शेप किस पर डिपेंड करेगी कई बार तो वन और एस प्लस वन आएगा वो कई बार एक्स प्लस टेन लिखाएगा कई बार एस प्लस, लिखा प्लस थ्री लिखाएगा तो उससे तो फर्क सेप, शेप सर्कल सर्कल ही होता है चाहे वो एक क्रिकेट का स्टेडियम हो चाहे वो एक कॉपी पे बनाया हुआ एक सर्कल है सर्कल वही होता है जिसका रेडियस जो आप निकालते हैं पाई पाईआर स्क्वेयर एरिया का फॉर्मूला होता है और जिसकी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन होती है यह सोनो तो सर्कल तो वही होता है ना आप कितना भी बड़ा सर्कल बनाए उसकी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन रहे अगर फिक्स है तो आप कितना भी बड़ा सर्कल क्रिएट कर सकते हो यस और नो सिमिलरली शेप का साइज चेंज होगा पर शेप वही रहेगी जो मैंने बनाई तो मतलब मुझे कंफर्म हो गया जब भी मैं इस एक्सिस से चलूंगा यहां से हमेशा टाइप जीरो आएगी यहां से क्या आएगी टाइप जीरो आएगी और अगर मैं आपको एक बात बता दूं जब भी कोई पोलर प्लॉट इस एक्सिस से शुरू होगा वो क्या होगी टाइप जीरो यहां से शुरू होगा तो वो होगी टाइप यहां से शुरू होगा तो टाइप और यहां से शुरू होगा तो टाइप अब कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए मैंने पूरी समरी सी में डाल दी <coughs> अब इसके बाद देखिए अगर कोई भी पोलर प्लॉट ये तो स्टार्ट हुआ है पोलर 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 प्लॉट 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 हमेशा की बात कर रहा हूं स्टार्ट कहां से होगा type 0, type 1, type से होगा भाई टाइप 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 और एंड कैसे होगा एंड हमेशा फाइनल पॉइंट पे होता है तो एंड जब होगा ऑर्डर पे होगा तो यहां से तो एंटर करेगा ऑर्डर वन अभी करा था आपने क्वेश्चन करके देखा तो यहां से एंटर करेगा ऑर्डर और अगर ऑर्डर थ्री होगा तो कहां से एंटर करना चाहिए और अगर यहां से एंटर कर रहा है तो हो गया खत्म मैंने कहा भी था आपको समरी की फॉर्म में सब कुछ बता दूंगा टाइप जीरो टाइप टू आप एक रेंडमली क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे अब कि वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं उसका टाइप यही होगा और ऑर्डर यही होगा लेटस्ट एक ए क्वेश्चन लेटस्ट एक क्वेश्चन वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन दिस इज योर टाइप टू ऑर्डर थ्री ओके टाइप टू है भाई और ऑर्डर इसकी थ्री जानी चाहिए स्टेप वन एस को जे ओमेगा रखो भाई तो जे ओमेगा का स्क्वायर वन प्लस जे ओमेगा ये जीरो प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर का मतलब बना जीरो प्लस लिख सकते हैं अरे जे स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो वो माइनस वन होता है वो दो तो वैसे खत्म हो जाएगा ना तो ये बनेगा कुछ ऐसे क्या बनेगी क्वांटिटी वन ओवर वेट 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 वेट, वेट, वेट। जे तो हटा देना ओमेगा स्क्वायर और जे का स्क्वायर माइनस होता है वन प्लस ओमेगा जी ओमेगा सॉरी वन प्लस जे ओमेगा अभी मैं करूं इसका अभी करके दिखाता हूं अच्छा जब मैनेज्यूड लेंगे इसका तो, तो चला ही जाएगा तो हम करते हैं स्टार्ट इसका वन ओवर ओमेगा स्केर तो आएगा ही आएगा और अंदर आएगा वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या कहते हैं अरे माइनस क्यों आएगा भाई ठीक so, है भाई माइनस जो मैंने माइनस थोड़ी देर के लिए हटाया वो एंगल में कंट्रीब्यूट करेगा पर माइनस एंगल में कंट्रीब्यूट करता है मैनीच्यूड में हमेशा माइनस छोड़ देते हैं जैसे माइनस फोर है तो माइनस फोर का मैनीच्यूड कितना होता है फोर लेकिन माइनस फोर में एंगल कितना होता है एक अस्सी डिग्री कितना होता है ये तो एक्सप्रेशन मैनीच्यूड के लिए काम करेगा एंगल के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ इसका जब एंगल के लिए एक्सप्रेशन मैं इसका लिखूंगा तो देखो यहां से कितना एंगल आएगा ऊपर से वन से वन से आएगा एंगल जीरो डिग्री वन तो रियल क्वान्टिटी है अरे जीरो डिग्री आएगा कि नहीं आएगा यहां से कितना एंगल आएगा भाई वन 1+j0 रियल नंबर है नीचे s है s स्क्वायर क्या होता है j स्क्वायर और एक j से कितना एंगल आता है 90 तो दो j हैं तो यहां से नीचे एंगल बनेगा 180 अभी एक और क्वांटिटी आनी चाहिए tan इनवर्स यहां से tan इनवर्स ओमेगा बाय 1 tan इनवर्स जब इनको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये एंगल बनेंगे -180 tan इनवर्स ओमेगा ये इसका एंगल एक्सप्रेशन आएगा जब तक आप एंगल एक्सप्रेशन मैनीच्यूड एक्सप्रेशन निकालना सीखोगे नहीं बात बनेगी नहीं अब देखो ओमेगा जीरो पे देख लेते हैं जब ओमेगा आपका जीरो है और मैनीट्यूड की वैल्यू क्या है और ए, एंगल की वैल्यू क्या हां जी ओमेगा जीरो रखो जब यहां पे ओमेगा जीरो रखोगे आप तो वन बाई जीरो कितना होता है इन्फिनी तो ये वन बाय जीरो ओमेगा जीरो रखा आपने इन्फिनी कितना आ गया इन्फिनेटी हां जी एंगल देखते हैं जब आपने यहां जीरो रखा उमेगा तो इनफिनिटी तो पे भी चेक करो भाई ओमेगा इनफिनिटी पे जो मैग्नीट्यूड होगा और जो एंगल होगा वो क्या क्या होंगे वो चेक कर लेते हैं मैग्नीट्यूड बनेगा जीरो और एंगल बनेगा टेनवर्स इन्फिनिटी टेनवर्स 270 कोई 10 दिवस इनपुट 90 हो गया और माइंस 90 हो गया माइंस माइनस हो गया माइंस -270, 270 ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया है इसको उठा के हम, हम पुट करने जा रहे हैं प्लॉट में हाँ जी ये बात दिमाग में नहीं रखेंगे कहां से टाइप टू कहां से टाइप थ्री कुछ नहीं देखेंगे जस्ट पहले देखें ओमेगा जीरो पे आपकी जो एंगल है वो कितनी आ रही है ओमेगा जीरो पे जो एंगल आ रही इन्फिनिटी मतलब अगर मैं यहां पे पिलर लगाता हूं इस पॉइंट पे तो मैं ओरिजिन से कितना दूर खड़ा हूँ दूर खड़ा हूं तो इन्फिनिटी पे हूं कहीं पे कहीं पे कहा लाइन कौन सी चल रही है किस किस लाइन के आसपास हूं मैं 180, minus 180 के आसपास क्योंकि एंगल साथ माइनस वन एट्टी का आ रहा है चलिए जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फाइनली एक टाइम ऐसा भी आएगा जब माइनस दो सत्तर कहां पर होता? होता है ना ये जीरो होता है, ये minus 90. थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है चीजों को समझने की कोशिश भी करें ठीक है अब बताइए स्टार्ट ऐसे होगा अब ये ऐसे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट जो ये टर्मिनेट करेगा कहां करेगा अरे यहीं पर तो जब ओमेगा रखोगे तो रखोट्यूड यहां पर कितना बन रहा है ओरिजिन पे जीरो अरे भाई इसी साइड से आ रहा है और मैनिट्यूड कितना है ओरिजिन मतलब पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए अब चेक करो इसको जाके ऑर्डर वन था ये ऑर्डर टू था ये ऑर्डर थ्री क्या ऑर्डर थ्री था क्वेश्चन कौन सा ऑर्डर थ्री है हाँ इसकी थ्री आर क्या ये टाइप टू है हाँ जी टाइप टू देखो ये टाइप जीरो थी ये टाइप वन थी और ये टाइप टू थी टाइप टू से स्टार्ट हुआ ऑर्डर थ्री में एंटर हो गया सो ये हैं आपके पोलर प्लॉट के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट कोई रैंडमली तीन या चार क्वेश्चन ट्राई करके देखना आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझ में आया पोलर प्लॉट इसने कर लिया निक्विस्ट प्लॉट के दो निक्विस्ट प्लॉट के दो क्वेश्चन कराऊंगा तीन इनफैक्ट आपका सारा स्टेबिलिटी फ्रिक्वेंसी डोमेन का खत्म हो जाएगा और एक टॉपिक रह जाएगा बॉडे प्लॉट का एक घंटे का टॉपिक एक डेढ़ घंटे का टॉपिक वो भी और लास्ट चैप्टर है आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टेट स्पेस एनालिसिस जो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन है क्योंकि अब तक आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन कर रहे हैं वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन है जहां इनिशियल कंडीशन को भी जीरो जो इनिशियल कंडीशन होती है उनको भी कंसिडर किया जाता है मेजर डिसएडवांटेज क्या है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन का क्या है कि वो इनिशियल कंडीशन को जीरो लेके चलता है और अगर कहीं इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं हुई तब तो फिर एरर आएगा ना yes. तो वो 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 सोल्यूशन हम करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस में किसमें भाई स्टेट स्पेस एनालिसिस तो आज इतना ही करेंगे ये सारा चैप्टर मैंने पोलर प्लॉट वाला एंड कर दिया ठीक है इसको देखें समझें कोशिश करें एंगल निकालना मैंजुअ निकालना इसका प्रोसीजर क्या होता है टाइप क्या होता है ऑर्डर क्या होता है और बेसिक बात बार बार बता रहा हूं जीएसएचएस पे बिल्कुल फोकस रखें क्योंकि वही मेन आपका कोर टॉपिक है ठीक है जी जिनके भी डाउट हैं वो कमेंट में लिख दें बाद में अगर बाद में जो समझते हुए कभी दिक्कत आई तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा ठीक है चलिए आज इतना ही थैंक यू